अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। दामाद और मृतक हरप्रसाद ने उनकी पत्नी से साठगांठ करते वो पैसे निकलवा लिए थे और इनको खाने पीने के लिए प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आ करके 20 तारीख की रात में 2 बजे के करीब जो है कुल्हाड़ी से जब हरप्रसाद सो रहा था तो उसके ऊपर वार करके उसकी हत्या कर दी। अच्छी जनता हमारे हमने मांगी साहब पैसा दे दो पैसा मारो कहीं हमारी डुकरिया कह लगी कौन होगा चल घर नहीं जाऊँ और डुकर बोले कहीं। तो क्या कोलैया यहीं रखी थी? यहीं रखी थी, बाहर रखी थी। तो काम करते थे सो रखते थे। तो 1 बजे रात में आए जब सब सो गए, जब कोलैया उठा के वही तो कोलाई को काम ही करते दादा सोने मतलब धार लगा के रख दई और भी परेशू बस सो गए और भी परेशू वही मार दई सो बस। हमको कुछ नहीं पता भी तो जे आई थी उसको कही दीदी खून की उल्टी हो रही कही उठो, हम तो अपने घर सो रहे थे भी अपने घर सो रही थी। उसको कही दीदी दादा खून की उल्टी हुई आवाज आई हो जो कछु मिलो है आवाज सो कही उनके दादा अच्छे अच्छे तो सो रहे थे कैसे हो गई क्या होगा उन्हें ऐसो उन कछु खावा तो गई उल्टी हो गई उतर जाके देखे जे घबरात गए हमारे देखे होते ऐसो माँ तो कटे धरे पूरे माँ को घतो नहीं बस फिर मन मन लगाओ आप लोग उनकी जमीन या जायदाद हमें जायदाद जमीन कुछ ही नहीं आओगी आगे कुछ नहीं है तो पास जमीन जायदाद जमीन कुछ ही नहीं आओगी खाली जो कछु उन्हें अपने मकान जो कछु 10-50 हजार रुपया जो कछु अपने बिटिया खोदा है दामान खोदा है हमारे कोई पता ही नहीं है। इसमें जो है 302 का मुकदमा लिखा गया है, जो अपराधी है अपराधी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, जो बॉडी है बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है, पंचायत नामा भरा गया है और जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई आला कत्ल बरामद किया गया है और वहाँ से जो भी मिट्टी शादा मिट्टी खूना लेता बरामद हुई है उसको भी जो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।